First poem, name. Second poem, both poem. Written by Robert Frost. Ice, fire and ice. And rest of snow. Both illuminate in depth. First poem is Dust of Snow and next one is Fire and Ice. Okay. Third one. Our third poem. Name. A Tiger in the Zoo. Zoo or Tiger. Matlab relate nahi karta hai. Suppose wild animal hota hai na. Wo famous hai uski wildness ke liye. Aapke bhi kai baar na circus और वाइल्ड एनिमल वो भी किंग सेंट नहीं होता, बट जैसे सर्कस में होता है वो बेचारे एलिफेंट को एक छोटे से स्टूल पे खड़ा कर देते हैं, फिर जो वो लायन है उसे पास करते हैं, फायर रिंग में से पास होना पड़ता है टाइगर को लायन में। कई बार मतलब बहुत आइडियाज केम इन माय माइंड, क्या आप ये भी बोल सकते हो कि ये ह्यूमन का स्ट्रेंथ है, ह्यूमन अगर कुछ भी चाहे तो कर सकता है, ह्यूमन बीइंग का ये स्ट्रेंथ है, वो किसी भी वाइल्ड एनिमल को भी अपने मतलब फिंगर पे डांस करा सकता है लाइक दैट। बट इन द अदर साइड ऑफ दिस थॉट ये भी बोल सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, मतलब क्या जरूरत है, उनकी भी मतलब कितनी हेल्पलेसनेस उनको फील होता होगा जब उनको भूखा रखते हैं सर्कस में। आप बोलोगे तो कोई हाथी ऐसे थोड़ी स्टूल पर चढ़ जाएगा, पर उसके लिए उसे ट्रेन करने के लिए उसे थोड़ा भूखा रखते हैं, बीमार दे भी होंगे, ऐसा कुछ करते होंगे, वैसे इतना विजिट नहीं किया है कि उसको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो थिंकिंग वाली बात है, ऐसा ऐसा तो करते होंगे, भूखा तो डेफिनेटली रखते हैं, तब जाके वो खाने की ग्रीड में वो जो बोलते हैं ऐसे करता है एनिमल कोई भी। तो वही बात होगी कि जू के अंदर भी एनिमल्स को रख देते एक केज में एक दो, मतलब टाइगर लायन एलिफेंट, कितना मतलब चीप लगता है, कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को, कहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट, और कहाँ ये मतलब एक केज, कहीं पे भी उनके माइंड में ना सेट नहीं होता होगा, उनकी कंपैरिजन में और सही है सब, जैसे क्रोकोडाइल है, वैसे फिश है, छोटे छोटे बर्ड्स, उनको तो फिर भी खैर चलो, बट वाइल्ड एनिमल को अगर कोई कैद करता है उसे तो उनके लिए तो ये मैटर ऑफ इनको हो जाता होता होगा ना कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ और ये मुझे पकड़ के बीच में भी डाल दिया, इनको तो उनके अंदर भी होता होगा। ओके सो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वाइल्ड एनिमल्स को तो ये पूरा उनका हंटिंग करना वो सब उनका जो नेचुरल एक्टिविटी है ना वो पूरा खत्म हो जाता है, दिखने में तो लाइव लगता है पर अंदर से कहीं शायद लाइव नहीं, वो अपने नेचुरल वे में नेचुरल में ही वो अच्छा लगता है। ओके तो ये जो कहीं ना कहीं पॉइंट भी है वो हमें उसी ओर ले जा रहे हैं, टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस राइटर है उसके। ओके अबाउट द राइटर, लेस्ली नॉरिस वाज अ फेमस वेल्श पोएट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, ही वाज बोर्न इन 1921। नॉरिस हैड डिसाइडेड इवन एट एन अर्ली एज दैट ही वुड बिकम अ पोएट, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द पोएम्स ऑफ थॉमस एंड वेरनॉन Watkins. His first poem was published in 1938, but his first book of poetry came out in 1943. In July 1942, Norris married Catherine, better known as Kitty. They moved in England and trained themselves to be teachers. He shot to fame with his first publication, Finding Goals. Gold. His works won various awards including the Poetry Prize and the Catherine Mansfield Memorial Award. Okay. Leslie died.
2006 मतलब दिस इज ऑल अबाउट पोएट ऑफ दिस पोएम मेन बोली मेन आपका थीम है उसके मेन पॉइंट्स कि पता तो चलना चाहिए कि वो किस थीम पे उन्होंने ये पोएम बनाई है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीड इट अलाउड ही स्टोल्स इन हिज विविंग स्ट्राइड्स ही फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज एज ऑन रेड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज व्हाइट ड्रेस फर्स्ट स्टैंजा क्या रिव्यू करता है वो देख लेते हैं जब क्वेश्चन आंसर whenever I dictate you then hum likhe about the author theme and hints main points of this poem and then after question answer okay abhi stanza wise jo hai explanation start karte hain he talks in his vivid stride okay the tiger is bound in his cage stripes on his skin are clearly visible उसके जो टाइगर की स्ट्रिप बोलते हैं ना तो क्लियरली दिख रहे हैं हिज हील्स लुक लाइक पेज ऑफ वेलवेट अभी देखो कुछ चीजों का तो एक्सपीरियंस नहीं किया जाता अभी हम टाइगर को नहीं बोल सकते कि अपना बच्चा दिखा तो वेलवेट जैसा फील होता है कि नहीं बट मान लेना है देख लेना है तो समझ में आ जाता है हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए ओके हिज हील्स उसकी जो हील है वो वेलवेट की तरह उसके पेट लगे ऐसा लग रहा है ऑन हिज फीट ऑफ वेलवेट ही वॉक्स क्वाइटली विद इन हिज केज इन हिज व्हाइट ड्रेस उसका जो एरिया अभी तरह को दिया है केज से इतना कुछ होगा तो उसी में उसे रहना है वेलवेट के पेट जो अपने लीड में और क्या हो जो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स है ऑन हिज केज ऑफ वेलवेट ही quietly within his cage. He doesn't seem to be happy to be in his unnatural abode. उसका real natural habitat नहीं है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है. So without showing his anger, he walks around quietly in his cage. Without revealing his anger, अभी देखो शुरुआत में अगर cage में बंद किया होगा ना तो उसका anger थोड़े दिनों के लिए उसे उसने दिखाया होगा. Maybe for some time he reveals his anger, but when he knows it very well that nobody helps me koi mujhe help nahi karega mujhe koi forest mein nahi jane dega then it is okay with his life fir wo apne aap ko comfort feel kara deta hoga ki chalo mujhe adjust kar leta hoga ki mujhe yahi pe rehna hai so I have to follow all this unnatural matlab uske liye to aisa hi to wo khush nahi hai happy nahi hai barabar standard hai Next one, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. First stanza is about cage. Next stanza is about his natural habitat, forest. Forest में वो कैसे करता होगा? उसका जो lifestyle है, उसका routine है, वो किस तरह का general होता है wild animal का? वो दिखाया है. The tiger knows how to ambush his hunt. He doesn't attack by challenging his prey directly. वो directly attack नहीं करता है. हमने कई बार देखा है history में कि lion, tiger सब एकदम long जो grass होता है धीरे-धीरे pass होते हैं. अगर deer कहीं कुछ खा पी रहे हैं कहीं पे भी grass या water तो वहाँ पे बहुत ही धीरे-धीरे जाता है. velvet के जो उसके पेड़ है ना हील में वही काम में आते हैं. क्यों? क्योंकि वो पैर की जो आवाज है वो नहीं आती है तो वो धीरे से अटैक करता है. धीरे भी जाके अटैक नहीं करती तो भाग जाएगा एनिमल. बट उसे अगर हंट करना है तो उसका प्रॉपर पैटर्न है उसे इनबिल्ट आता ही है. भगवान ने सीता के भेजा है ओके प्रेडिक्टली मतलब सीता का ही लाइज इन द शेड ऑफ ट्रीज अनसीन इन हिज विक्टिम ट्री के शेड के नीचे कहीं छुप जाता है उसका जो है कोई देख ना पाए इस तरह से ही स्लाइड्स साइलेंटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास बिफोर चार्जिंग अपॉन हिज हंट ही रीच साइलेंटली थ्रू द वाटर होल वेयर
साइलेंटली बिहेव करके अटैक करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड स्टेंजर. नाउ थर्ड वन इज ही शुड बी स्नैपिंग अराउंड हाउसेस एंड द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेररिजिंग द विलेज. ओके हमारा जो थर्ड स्टेंजा है वो क्या कह रहा है. He should be snaring around houses. Snaring मतलब making an aggressive growl, showing teeth. जैसे रोअर बोलते हैं ना snaring. तो अपने टीथ दिखाते हुए रोअर करना. इस तरह से had he not been bound in his cage, tiger would have been roaming round freely. एकदम freely घूमते हैं जंगल में. He should have been growling. जंगल के किनारे मतलब उसका जंगल की जो बॉर्डर आ जाती है वहां पे गांव होता है. तो वो गांव जंगल के आउटस्कर्ट मींस बॉर्डर तो वहां पे घूमता है. दैट ही वुड ओपन आउट ही शार्प लॉन्ग वाइट टीथ एंड पाउ जस्ट टू टेररिज द विलेजर. तो दैट्स अ थैंक्स मतलब टू लॉन्ग शार्प टीथ. थैंक्स ओके राइट थैंक्स नुकीले दांत बोल सकते हैं हम उसे. ओके तो विजिटर्स को सॉरी विलेजर्स को डराने के लिए आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल जंगल की जो बॉर्डर है वहां पे राउंड लगाता है और ग्राउंडिंग करता है. तो ये स्टैंड करती है अबाउट फॉरेस्ट. फर्स्ट वाला था वो केज का. नेक्स्ट फॉरेस्ट ये भी फॉरेस्ट. Four, stanza four. But his look locked in a concrete cell. Okay, this one is about zoo. अभी जो zoo में आप वापस आ गए. Okay, तो अभी zoo का जो है explanation देखते हैं. कि अभी तो वो locked है concrete मतलब ये cement और जो brick है उसकी cell पिंजरे में बंद है cage में. He stands behind bars. बार्स मतलब जो वो केज के रोड होते हैं ना तो वो बार के अंदर उसकी सारी स्ट्रेंथ बंद है. तो बाहर खोलो तो पता चले ब्रेक है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. वो लेंथ जैसे स्टॉकिंग मतलब घूमना है टहलना. वो टहल रहा है इग्नोर कर रहा है विजिटर को. विजिटर मतलब जू में विजिट करने आते हैं. जू में जो सारे एनिमल्स एक साथ देखते तो मिलते हैं तो वो विजिटर को इग्नोर करता है. वो बातें करते हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अभी डोर ओपन करो तो कोई बात हो तो मतलब कोई हंटिंग जैसा फीलिंग वो ले ले पर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं. ओके लास्ट जो हमारा स्टांसा है वो भी यहाँ पे लिखा नहीं है. ओके ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, last stanza जो हमारा रीडिंग हो रहा है. At night, रात को, the caged tiger, मतलब के पिंजरे में बंद टाइगर, hear the last voice of the patrolling car. कार के लिए मतलब घूमना तो वहां पे देख रेख रखने के लिए जो लोग रहते हैं तो उसने लास्ट वॉइस सुना उन लोगों का. बीइंग लॉक्ड इन द केज जब वो केज में बंद है तो क्या करेगा. ही लुक्स टुवर्ड द स्काई रात को तारे देखता है. ही गोज ऑन स्टेयरिंग ब्रिलियंट स्टार्स दैट आर शाइनिंग फ्री इन द स्काई लाइक हिज ब्रिलियंट आईज. उसे स्टार्स को देख के शायद याद आ रहा है कितना फ्री वो स्काई में है. मतलब मैं भी फ्री फॉरेस्ट में था लाइक दैट. देखो पेंटिंग एक ऐसी चीज है एक ऐसी फीलिंग है जो हर एक को एक सी होती है. उसमें कोई फर्क नहीं होता हैप्पीनेस है फिर बट पेन तो उसे भी होता होगा जिसने क्या और कर दिया है बहुत बुरा हुआ मेरे साथ. अदरवाइज मैं भी फॉरेस्ट में फ्री थी घूमता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता. ओके सो
फाउंडेशन जो है लाइफ में, जो लेक ऑफ फ्रीडम है वो बहुत पेन देता है। तो भी टाइगर जो है, और किसी किसी का नेचर तो एकदम ऑपोजिट, मतलब वाइल्ड एनिमल तो जाने जाते हैं अपने मतलब स्ट्रेंथ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी वाइल्डनेस के लिए, उनको आप बंद करते हो केज में तो उनके लिए तो उससे ज्यादा पेन कुछ नहीं होगा। कि हाउ डेयर एनिमल है, इतनी हिम्मत कैसे, देखो छोटे छोटे अगर रैबिट पर ले आओ ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक नेचर ही ऐसा होता है, किसी पैर की आहट भी सुन लेना तो रैबिट दूर दूर तक भाग के चले जाते हैं अपने मुंडों में। बट इट अ मैटर ऑफ वाइल्ड एनिमल, लायन टाइगर, सो बहुत उनको पेन होता है, इनको इनका ईगो हर्ट हो जाता है। मेन थिंग इज उन्हें बैर नहीं होता क्या सिचुएशन दे दी गॉड ने, तो वो स्काई की तरफ देखता है और तारों जैसे फ्री भी देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं भी फ्री था, फॉरेस्ट में होता तो मैं भी रात को घूमता अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, बहुत ही सिंपल बट फिलोसॉफिकल पोएम है, अच्छी पोएम। और क्वेश्चन आंसर अबाउट द पोएम एंड ऑल दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।